दीपांशु, दीपांशु हिमांशु, अच्छा देखो सारे बच्चे आ गए। दीपांशु, गजल नाम की लड़की आई थी, आई कि नहीं आई थी? देखो भाई, हम साइकिल में करा रहे थे एक्सरसाइज 1.2। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट का मतलब ये है कि सेट में कोई एलिमेंट ना हो, बिल्कुल खाली ये। और इसको हम पाई से लिखते हैं। सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ए सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। क्लियर है? अभी एम्प्टी सेट क्लियर हो गया सभी को? उसके बाद देखिए बेटा, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट, फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट हो। आपको ये पता हो कि इसमें कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, 15 एलिमेंट। इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है कि आपको ये भी नहीं पता कि कितने एलिमेंट है। डैश डैश डैश, आवाज आ रही मेरी? नहीं आ रही? यार मेरी गड़बड़ होगी आज ही, पता नहीं, रिचार्ज नहीं किया बच्चों ने। हाँ जी, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, थोड़ा सा देखना, कॉपरेट करना, आवाज से आज आ जाएगी। आज मेरे पास हेडफोन नहीं है। एक गजल, गजल ने ज्वाइन किया है क्या? देखना एक बार मेरे पास गजल कर ली। गजल, अभी नहीं किया है। है जी, अच्छा, हाँ कोई बात। इनफाइनाइट सेट क्लियर हो गया? फाइनाइट सेट का मतलब होता है, ठीक है, एम्प्टी सेट का मतलब जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं हो। फाइनाइट सेट का मतलब जिस सेट में आपको ये पता हो कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, 50 एलिमेंट है, 40 एलिमेंट है, 30 एलिमेंट है। इनफाइनाइट सेट का मतलब आपको ये नहीं पता हो कि इस सेट में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए अगला टॉपिक है सबसेट। सबसेट है बेटा अगला टॉपिक। किसी सेट का सबसेट कब होता है? मान लेते हैं ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स। If A and B are two non-empty sets, if A and B are two non-empty sets, अगर A and B दो non-empty sets हैं और all elements हो के all elements हो A are contained in B, छोटे सेट के सारे एलिमेंट यदि बड़े में कंटेंड हो, छोटे सेट के सारे एलिमेंट बड़े में कंटेंड हो,
मान लेते हैं ए है, ए के सारे एलिमेंट बड़े में कंटेन हो, तो हम कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। एग्जांपल के तौर पर देखिए, ए सेट ले लिया मैंने 1 2 3, बी सेट ले लिया 1 2 3 5 और 9। ए के सारे एलिमेंट, ए में जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो बी में मौजूद है तो ए बी से बी का सबसेट है, तो हम कहेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। एक एग्जांपल और देख लिया, एक एग्जांपल और देख लिया, ए ले लिया मैंने 1 2 5 और बी ले लिया 1 2 7 9 11। देखिए क्या अभी भी ये सबसेट है ए, क्या ए सबसेट है बी का, बताइए। अब नहीं है, तो आप कहेंगे कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। आपके अपने परिवार में बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं सबसेट के, आपके पापा की फैमिली, आपके चाचा की फैमिली, आपके ताया की फैमिली, वो सबसेट हैं आपके दादा की फैमिली की। और सबसेट का एग्जाम्पल देता हूं, तुम्हारे स्कूल के बच्चे, यानी कि मैं मान लेता हूं एक ये रॉयल ओक पब्लिक स्कूल, तो ए सेट है रॉयल ओक पब्लिक स्कूल, बी सेट है 11th A रॉयल ओक पब्लिक स्कूल, सी सेट है 12th A रॉयल पब्लिक स्कूल, डी सेट है 9th C रॉयल पब्लिक स्कूल। तो ये बी सी डी जितने भी हैं ये सारे सबसेट हैं ए के, इन सब का बाप है ए। तो सबसेट सबको क्लियर हो गया बेटा? गजल हाँ बेटा, कैसा समझ आ रहा है? आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब तेरे को जो मना किया ना उसकी वजह वो लड़की बीमार चली हमारी भाणजी भी, हालांकि वैसे ही बुखार है उसको, लेकिन समस्या जो दूसरी लड़की आ रही थी, लेकिन आजकल ऐसी भारी समस्या है, बस बच्चों किसी तरीके से बचा जाए, पढ़ाई पढ़ाई तो हो जाएगी। मैं साथ साथ इसके वीडियो भी आप लोगों को डेली डाल रहा हूं, और आज से मैं लिंक भी भेजूंगा उनके, तो कई बार ढूंढने में दिक्कत आती है, आज से वो लिंक भी मैं आपको सेंड करूंगा। जी चलो, मैं आज से आपको लिंक भी सेंड करूंगा, ठीक है ना, और एक्सरसाइज वाइज डालना शुरू करूंगा, मैं एक्सरसाइज लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर लिखूंगा, ऐसा नहीं नए 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 फिल्म के डायरेक्टर बने, अभी थोड़ा समय तो लगेगा हम लोगों को एडजस्ट होने में। सुनिए भाई, अब हमारा अगला 1.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बोलिए, मेरे पास आज बुक नहीं है, कल तो मैं ले आऊंगा उस लड़की से बुक। 1.2 का पहला क्वेश्चन, अच्छा उससे पहले मैं थोड़ा सबसेट के बारे में और बता दूंगा, ये एक साथ दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। सबसेट देखिए, सबसेट क्या है, जैसे ए कोई सेट है ये 1 2 3, हमें इसके सबसेट लिखने, आम सबसेट लिखने हैं कि टोटल इसमें सबसेट कितने होंगे, हमें ये देखना है इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे। देखिए कैसे, हाँ कैसे, हाँ जी अच्छा, देखिए बेटा ये मान लेते हैं ये आप हो, ये पापा ये मम्मी, ठीक है, हो सकता है किसी बात पे झगड़ा हो जाए, आप अपना अलग अलग मकान बनाओगे, ये हम नहीं रहते, अलग अलग कमरे चले जाओ, ठीक है, हमारी तुम्हारी कोई वास्ता नहीं, सिंगल सिंगल एलिमेंट। हो सकता है 1 2 की पड़ जाए, 2 3 की पड़ जाए और 1 3 की पड़ जाए, हो
दो के पेयर बन सकते हैं। कोई भी सेट अपने आप का भी सबसेट होता है और ये एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है। देखिए एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है। अब सवाल ये उठता है कि टोटल सबसेट्स कितने होंगे। टोटल सबसेट बेटा 2^n का फार्मूला है। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। सेट में जितने एलिमेंट हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कहेंगे, ठीक है, कि कितने नंबर हैं, और टोटल सबसेट होगा 2^n। देखिए जैसे मान लेते हैं हमारे पास ए सेट है 1 और 3, तो इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे बेटा, 2^2 यानी कि 4। और अगर हमारे पास सेट है ये 1, 2, 3, 5, 9, 11, तो इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे। हाँ जी जी बी से क्या कह रहे हो, 20 बोल। समझा नहीं क्या कह रहा है, 30 चेक करूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने आपने भेज दी, रिकॉर्ड में आ गई होगी, चेक कर ली जाएगी, क्योंकि बेटा बैंक नहीं जा पा रहा मैं अभी, बैंक आजकल मैसेज भेजता नहीं। चलो टोटल सबसेट कितने होंगे इसके, टोटल सबसेट होंगे कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2^6 एलिमेंट है, तो 2^6 सबसेट्स होंगे, 2^6 सबसेट्स होंगे। रजत अच्छा समझ आ रहा है। अच्छा अब देखो भाई, अब और देखिए पावर सेट क्या होता है। पावर सेट क्या होता है, इट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। जितने सबसेट्स हैं, जितने सबसेट्स हैं उन सब का सेट पावर सेट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये सेट है, ये 1, 2, 3 एबीसी ले लेते हैं, थोड़ा सा ए बी सी, तो पावर सेट ऑफ ए होगा, पावर सेट ऑफ ए होगा बेटा जितने सबसेट हैं, पहले सिंगल सिंगल, फिर दो दो के पेयर, फिर कोई भी सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, और ये फाइव सभी का सबसेट होता है। तो जितने सबसेट हैं उन सभी का कलेक्शन, जितने सबसेट हैं उन सभी का सेट जो है, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। देखिए अब अब ठीक है, होगी मेरी बेटी। अब ये गजल ध्यान रख लेती, क्या करूं, ये लड़की मेरी बड़ी मदद करती थी बेचारी।
अब इसको भी मैंने मना किया कुछ कारणों से, नहीं तो मेरा जी लगता है बच्चा यहाँ बैठ के तुम लोगों को ऑनलाइन में बिल्कुल जी नहीं लग रहा पढ़ाने को, दीवारों को पढ़ाना पड़ रहा है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या, फाइनाइट और नॉन, चलो क्या बताना है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट बताना है, क्या बताना अगला देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, बता भी अच्छा तक।